या लगा दी चाबी भाई, एक नंबर की तारी भाभी भाई। मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों देखे कमला खड़ी खड़ी। पीछे गए पानी में, मेरा इंटरेस्ट था एक मरजानी में। तो आ जा रहे हैं पे भाई दिनेश भाई के खेत में भाई। तो ये अपने चाचा जी के बेस्ट फ्रेंड है, तो उरा अमरूद का बाग ला रखे भाई। तो ये अमरूद के जो पेड़ हैं, ये इनका आप साइज देख रहे हो, 3 साल में तैयार हुए हैं भाई। 3 साल लग गए भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया है। तम तो 2 अमरूद खा के और मुँह ठा के कह दो हो भाई साहब यार स्वाद गुनी आया नूर न्यू, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया है भाई। और उसमें भी थोड़ी बहुत कि मैं बीमारी आ गई और हो गया, तो 3 साल में इतना साइज के पौधे तैयार हुए भाई अमरूद के पेड़ के। यो मिनी ट्रैक्टर का इक्विपमेंट हो गया भाई, और यह होगी ट्रैली भाई उरा, ठीक है ट्रैली भी एंडी है छोटी ही प्यारी सी। अच्छा उरा अमरूद के पेड़ लग रहे हैं भाई, ये 1 साल में तैयार हो गए भाई इतने, जो इतना साइज तैयार हो या नहीं, सेले तैयार होने को नहीं है, कई बार खराब भी हो जाए। बहुत दिहाड़े भरने पड़े हैं जज जाएगा 1 साल में इतना पेड़ा तैयार हुआ है। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। तो आज आपको दिखाएंगे मिनी ट्रैक्टर भाई, तो आपको मिनी ट्रैक्टर की सारी विशेषताएं बतावांगे भाई A to Z। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का मेन विषय है भाई मिनी ट्रैक्टर। कई भाई यूं कह रहे थे भाई साहब बड़ा ट्रैक्टर तो आपने दिखा दिया लेकिन मिनी ट्रैक्टर नहीं दिखाया। आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल भाई। तो आज बतावांगे इसकी खासियत है, और इतनी चलाएंगे देखांगे, इस पर बैठ कर देखांगे किसा लागे, नू लागा जनू हाथी पे ऊंट बैठा भाई। जितना छोटा उतना खोटा, गजब का सौदा है, देखने में एक नंबर का लागे, मजा आ जाए देख के। ओके लुक है, और यो आगे का पार्ट खोल रखे इसका, 4x4 है, आइसर जितनी ताकत है इसमें, मतलब ओके के खींच दिया रोटावेटर है, ठीक है ये सारे काम सप्रा चल रहा है मशीन में, ये स्पेशल बाग में यूज हुआ है, बाग में यूज हुआ है, ठीक ठीक ठीक। ये दोस्तों स्पेशल बाग के लिए है भाई, मतलब बाग में जितना भी काम हुआ है इस ट्रैक्टर के माध्यम से पूरा हो जाए भाई, ठीक है। अच्छा और खासियत बतावांगे आपने इसकी, और खासियत एक यह है कि जो बड़ा ट्रैक्टर है उसमें वो कछुआ की चाल वाला सिस्टम हुआ है, और मतलब एक खरगोश की चाल वाला सिस्टम हुआ हो रहा है, जो इसमें सीधा सिस्टम है, इसमें उस वाली दिक्कत को नहीं, कड़ियाँ कर लियो, उसमें न्यूट्रल करना पड़ा, इसमें कौन करना पड़ता, ठीक है सीधा चल पड़ा भाई स्टार्ट करते वक्त। अच्छा इसमें टायर हैं, टायर हैं भाई इसमें 8-18 के पीछे, ठीक है, और आगे हैं आगे 5-12 के भाई, ठीक है। एवरेज कैसी है भाई जिसकी? तेल की बहुत बढ़िया एवरेज है भाई, इसी तेल बहुत कम खावा है, मतलब अरे जो रिपोर्ट में है ओके में बढ़िया जमा, एक नंबर छतरी के अलावा एक नंबर का लग गए हो, बैठा पाछा है छतरी का नीचे, स्वाद सा है जे है, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों देखे कमला खड़ी खड़ी। या दोस्तों पीछे की लाइट है भाई, ये 2 डिपर हो गए भाई, यो पीछे है ट्रैली जोड़ने का सौदा हो गया 20 HP में भाई, हो ITs की 4 के समथिंग है भाई, और बात जगह बात जाए, बोल्ट ने भी फैल कराया जमा। उरल वायर क्या भाई? शीशा, शीशा देखना बहुत जरूरी है छोटे भाई, शीशा में खुद ना देखोगे नू लागेगा जो अर्नोल्ड है, बॉडी बिल्डर लग गया है पतला का ताला भी। ये साइड में होगी भाई गोजी, इनमें कई लाख रुपये दे रहे हैं, कोई ठहका ले जियो, कदे ठहके ले जाएगा आराम करो। ये हो गया भाई लिफ्टिंग सिस्टम, ट्रैली ठानी हो, रोटावेटर ठाना हो, कल्टीवेटर ठाना हो। दोस्तों आगे के लिए 3 गियर हो गए भाई इसमें, एक रिवर्स गियर हो गया, जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनमें 4 गियर हो भाई। दोस्तों ये 3 सिलेंडर है भाई, आजकल इन ट्रैक्टरों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी धीरे धीरे, और इनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, और छोटे कामों के लिए बहुत सारे भाई इन ट्रैक्टरों का यूज करने लग गए भाई, बहुत गजब की चीज़ है, 3.5 लाख रुपया का हो भाई। तो ये है भाई अपने अंकल जी, यहाँ पे जो बाग है ठेका पे ले रखा है, क्या नाम अंकल जी अपना? मेरा नाम श्याम लाल है। अच्छा जी, ये कब लिया ठेके पे आपने? ये हमने अप्रैल से शुरू किया। अच्छा कितने महीने में तैयार हो जाएंगे अमरूद? ये 8वें महीने में अमरूद तैयार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, गाँव कौन सा जी अपना? हमारा गाँव है जी समाना मंडी। अच्छा अच्छा जी, और सब घर परिवार ठीक है जी? हाँ जी सब मौज है। तो ये अपना भाई पाली भाई देश विदेश में पूरा फेमस है, और इसको अमरूद के बारे में बहुत ज्ञान है, और ठीक है जी घर बार। तो इसकी राइड लेते हैं भाई, चला के दिखाते हैं आपको, देखने में कैसा लगता है, चलने में कैसा लगता है, और जब मैं बैठूंगा तो किसा दिखूं इस पे। दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ लगा दी चाबी भाई, एक नंबर की तारी भाभी भाई, ला भी चला दें इसकी। तो भाई ट्रैक्टर को चला के देखा, मजा आ गया, लाइट ट्रैक्टर है,
जमा न्यू मतलब फोका फोका हा न्यू लागे जुनो हवा में तैरन लग रहे हैं जो फीलिंग नहीं हवा में उड़न वाली वह चीज है भाई जुनो पैराग्लाइडिंग करने लग रहे हैं वह फीलिंग आवा है। एक खास बात और भाई, जो बड़ा ट्रैक्टर हुआ है उसके गेयर हुआ करडे हुए हैं, इसके गेयर जमा नरम है, बेरन लगता कोई लग गया भाई जमा छोटा है ठीक है। अरे चलते चलते ही उतर जाए, इस पता है चाहे कितनी स्पीड हो, क्योंकि स्पीड तो टेमे सर की इनकी तो मतलब जमा न्यू नू लागे जमा जमा एक जोकर खिलौना नहीं होगा छोटा हा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा। तो सवेरे सवेरे क्या होया, अपने फोन का गिलास में त्रेड़ आएगी भाई, नया गिलास चढ़वाने गया पे, मैंने इन्हू कहा भाई सिंपल गिलास चढ़ा दे, तो भाई ने मैट का गिलास चढ़ा दिया, मैंने बेरा कौन था वो चढ़वाया तो लिया भाई, वो थोड़ा महंगा भी हुआ लेकिन बढ़िया भी हुआ है। तो मैंने शाम ने वीडियो बनानी थी, वीडियो का टाइम पर देखा क्लैरिटी को नहीं आ रही, फिर वो तारना पड़ा नुकसान हो गया। तो एक बात सीखी भाई, हर एक चीज का एक पॉइंट पॉजिटिव है और एक पॉइंट नेगेटिव है। पीछे गए पानी में मेरा इंटरेस्ट था एक मरजानी में। तो आशा करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दियो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।